गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ एंड लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर फाइव दैट इज़ फ्रेंड्स ऑफ ट्री। तो हमने इसमें अभी तक पढ़ा था कि ट्री जो है वो फॉरेस्ट में होता है और वुड कटर जो होता है वो ट्री का फ्रेंड होता है और बीटल्स जो होती हैं वो क्या करती है ग्रास खाती है। तो वुड कटर जो होता है वो कहता है कि तुम ग्रास को क्यों खाती हो और उन लोगों के बीच में ऐसी बात होती है। वाई डोंट यू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ बीज एंड गैदर नेक्टर इनसाइड। अब जो वुड कटर है जो वुड पिकर है वो कहता है बिटल को कि तुम हनी बीज जो होती है वो हनी को कलेक्ट करती है, ऐसा काम क्यों नहीं करती। द वुड पिकर वेंट ऑन फ्लाइंग अ स्विंग इट्स हेल्दी एंड गुड फॉर बोथ फ्लावर्स एंड द फ्रूट। वो कहता है कि ये तो फ्लावर्स के लिए भी अच्छा है और फ्रूट्स के लिए भी अच्छा है कि वो उनके अंदर से नेक्टर निकालती है और हनी को प्रिपेयर करती है। आई एम श्योर द बीज वुड बी हैप्पी टू शो यू हाउ टू डू इट। और मुझे ऐसा लगता है कि बीज जो हैं वो तुम्हें ऐसा बताएंगी कि वो करते कैसे, ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये तुम्हें सिखा देगी। तो बीटल्स जो हैं वो ऐसा बीटल्स और वुड पिकर के बीच में ये बात हो रही है। यस यस सेड द ट्री एज ऑलवेज ईगर टू सपोर्ट द फीचर फ्रेंड आस्क द बीज। सो वुड जो ट्री है वो वुड पिकर को सपोर्ट करता है क्योंकि वो दोनों तो फ्रेंड्स थे तो वो उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ तुम बीज से पूछो और बीज तुम्हें ज़रूर बताएगी कि हाउ दे प्रिपेयर देयर नेक्टर, वो उनका नेक्टर कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो बट द बीटल वर नॉट गोइंग टू आस्क द बीज, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गैदर नेक्टर, दे ओनली विश टू स्टॉप द वुड पिकर फ्रॉम हंटिंग दैम। और बीटल उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे, बीटल बीज के पास जाने वाले ही नहीं थे। बस बीटल्स तो ये चाहते थे कि वुड पिकर उनका हंट करना बंद कर दे, उनको मारना बंद कर दे। एंड द बेस्ट वे टू डू सो वॉज टू आस्क द वुड पिकर फॉर अ सॉन्ग। और उसका बेस्ट वे क्या था, वुड पिकर को सॉन्ग गाने के लिए कहा जाए। द वुड पिकर ऑलवेज हेल्प एनी वन हु आस्क हिम फॉर सॉन्ग। वुड पिकर जो भी उसको सॉन्ग गाने का कहता है उससे उसकी हेल्प करता है। द ट्रूथ इज़ द सॉन्ग वॉज नथिंग स्ट्रिल कार्विंग बट ही थॉट ही इज़ हाईली म्यूजिकल। जो वुड पिकर है वो कोई अच्छा गाना नहीं गाता है, वो अच्छी सिंगिंग नहीं करता है, बट स्टिल ही थॉट कि वो बहुत सुंदर गाता है। When the beetle asked for song, the woodpecker burst out singing and forgot all about hunting them. और जब beetle उनको कहती है कि आप हम woodpecker को कहती है कि हमें गाना सुनाओ तो वो बहुत खुश हो जाता है और उनको गाना सुनाता है और उनकी उनको मारना बंद कर देता है, उनकी hunting करना बंद कर देता है। The tree was good friend of woodpecker but he could not stand the woodpecker singing. Tree जो है वो woodpecker का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है पर वो उसकी सिंगिंग सुनने की क्षमता नहीं रखता, वो जब भी वो गाना गाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। सो व्हेन द वुड पिकर बिगेन टू सिंग द ट्री स्ट्रोक हिज बॉट एंड लीव। और जब वुड पिकर गाना स्टार्ट करता है तो जो ट्री है वो उसकी लीव्स शेक करता है, मतलब उसकी पत्तियाँ गिराने लगता है। द वुड पिकर हैज़ डिस्टर्ब इन द मिडल ऑफ दिस सॉन्ग एंड स्टार्टेड हंकिंग अगेन। और फिर वुड पिकर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बीटल्स की हंटिंग करना वापस स्टार्ट कर देता है। द बीटल्स वर अनॉयड विद ट्री एट द सेम टाइम दे न्यू दैट दे हैड टू हाइड फ्रॉम वुड पिकर, सडनली दे थॉट ऑफ गुड हाइडिंग प्लेस। जैसे ही बीटल्स वुड पिकर से छिपने की कोशिश करते हैं वो ट्री जो है वो शेड कर देता है उसकी लीव्स और वुड पिकर वापस उनको हंटिंग करने उनकी हंटिंग करने लग जाता है। दे रश्ड टू द ट्री एट थ्रू अ फ्यू होल्स इन बार्क एंड सेटल डाउन अंडर देम। और वो क्या करती है बीटल्स जो आती है वो ट्री की बार्क को तो उचकाती है और उसके नीचे ट्री के अंदर होल बनाकर वहाँ चली जाती है बीटल्स। Their new home was quite comfortable and they had enough to eat. और वो जो
जगह वो हॉल बनाती है वो उनके लिए रहने के लिए, और लकड़ी उस हॉल में रह के लकड़ी खाते हैं वो, तो वो जो खाना है वो भी उनके लिए सफिशिएंट होता है, और वो जो रहने के लिए प्लेस है हॉल वो भी उनके लिए सफिशिएंट होता है। बट द ट्री सून बिकेम अ वेरी सॉरी साइट इंडीड, और जो ट्री है वो बहुत सॉरी फील करता है। देर वर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल हॉल इन द बार्क, और देर आर हंड्रेड, 100 से भी ज़्यादा एक बार्क में हॉल हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ डस्ट कम आउट ऑफ द हॉल एज बिटल मेड मोर रूम फॉर देम सेल्फ, और बिटल्स जो होती हैं वो बार्क के अंदर और ज़्यादा रूम बनाती है अपने रहने के लिए। तो बार्क के अंदर जब हॉल बनाती है तो हॉल के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकाल देती है, तो बाहर बहुत सारा डस्ट हो जाता है उस हॉल को बनाने के लिए। When the tree mourned in pain, the beetles said, "What the use of this mourning?" और फिर जब पेड़ रोने लगता है कि तुम मेरे अंदर इतने होल क्यों कर रहे हो, तो beetles कहते हैं, "Why did you disturb the woodpecker's song? Now your days are numbered. We will soon eat you up." और फिर beetles कहते हैं कि तुम woodpecker को disturb कर रहे थे जब वो सॉन्ग गा रहा था, तो नाउ अब हम तुम्हें खाएंगे और अब हम तुम्हें ही हॉल करेंगे। द वुड पिकर अंडरस्टूड द ट्रीज प्रॉब्लम, ही सेड टू ट्री, होल्ड ऑन फ्रेंड, आई विल सून टेक दिस ग्लूटन आउट एंड देन यू कैन लिव इन अ पीस। और फिर वुड पिकर कहता है कि डोंट वरी फ्रेंड, तुम वरी मत करो फ्रेंड, मैं तुम्हारी जो टेंशन जो है, तुम इन बिटल से जो परेशान हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का अभी सोल्यूशन करता हूँ, और मैं अभी इन सारे वुडपिकर्स को इन बिटल्स को खा जाऊँगा। विद दिस वर्ड द वुडपिकर स्ट्रक द बार्क विद दिस ब्रिक एंड कॉच द बिटल, ही स्ट्रक अगेन एंड कॉच अनादर बिटल, अनादर एंड येट अनादर। और फिर वुडपिकर क्या करता है, सारे बिटल्स को वन बाय वन लेके खा जाता है। The tree sighed with relief. My dear woodpecker, said the tree, you are the true friend. और फिर जो ट्री है वो वुडपिकर को कहता है कि तुमने मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिया, तुम ही मेरे ट्रू फ्रेंड हो। द वुडपिकर स्टिल सेव्स द लाइव्स ऑफ ट्री बाय हंटिंग बीटल दैट लिव अंडर द बार्क। यस, वुडपिकर रियली आर फ्रेंड ऑफ ट्रीज। और उसके बाद जब भी कोई बीटल ट्री को खाता तो वुडपिकर उसको खा जाता और ट्री को से बचाता था। उसके बाद ट्री और वुडपिकर्स हैं वो बहुत गहरे फ्रेंड बन गए, और स्टिल आज भी जो बीटल्स हैं बार्क के अंदर जो हॉल करती है और ट्री को खा जाती है, तो वुडपिकर उसको खा जाता है। यस, वुडपिकर रियली आर फ्रेंड ऑफ ट्रीज, और वुडपिकर जो है वो ट्रीज के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। सो हियर दिस स्टोरी, अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड रीड द चैप्टर अगेन योरसेल्फ।